आंचल ये जी मैं अभी इंटर हो गया मेरा। किस तरह सरकार चाहते हैं? अच्छी सरकार चाहिए मुझे जो सुरक्षित रहे हम और आज़ादी से रहें, किसी की श्रृंखला रहे हमारे मन में। पहली बार मैंने आज पहली बार वोट डाला है, फर्स्ट बार। इस तरह दिखाइए आंटी, उंगली दिखा दीजिए कहाँ से इंक लगी है। क्या नाम है आपको? इल्मा। कहाँ रहती हैं? रबड़ी टोला। अच्छा, आपने आज वोट डाला है, कौन सा वोट डाला, पहला है दूसरा? नहीं, मेरा दूसरा वोट है। अच्छा, किस तरह आप सरकार चाहते हैं? साइकिल, समाजवादी सरकार। क्यों, ऐसा क्या? क्योंकि हमें उसमें काफ़ी सुविधाएं मिली थी और हम इस सरकार से परेशान हो चुके हैं काफ़ी। दीपशिखा आपने पहली बार वोट डाला है? हाँ, मैंने दूसरी बार वोट डाला है, पहली बार नहीं। हाँ। किस तरह सरकार चाहते हैं? यही सरकार चाहते हैं जो अभी इस टाइम है, सब लड़कियों के लिए सुविधाएं और लेडीज़ों के लिए सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाई की भी सुविधा है और हर कोई भी फैसिलिटी हो, हर चीज़ की दिक्कत नहीं होती किसी भी चीज़ की, बस यही सरकार चाहते हैं हम। हाँ हाँ, इससे हम खुश हैं बहुत ज़्यादा। हाँ ठीक। क्या नाम है आपको? नादेशपाली। कहाँ रहती हैं आप? सुफी टोला। अच्छा, आपने जो है कि आप वोट डाला है जी, वोट दिया है, किस तरह की सरकार चाहती हैं आप? एकदम रोजगार देने वाली सरकार एंड जो बहुत संभाल और जो गलियों साफ करे और नीट एंड क्लीन रखे हमारी। हाँ, सरकार है, इससे आप खुश हैं? ठीक थी ये भी। ये सरकार चाहती है आप? नहीं, अब दूसरी आनी चाहिए। मेरा नाम शमी अहमद है। समस्या ये है कि मेरा कार्ड ही नहीं आया, मतलब वोट ही नहीं आया है। पहले जब भी मतदान हुए हैं तो हमने उस पर कॉपरेट किया है, दिया है, लेकिन अब इस साल हमारा वोट ही नहीं आया। यहीं डालते थे, सुफी टोला के रहने वाले हैं। 112 सुफी टोला, पुराना शहर। लेकिन अब की ऐसा हुआ है, मतलब हमारे मोहल्ले कई केसेस ऐसे हुए हैं जिनकी फैमिली में 10 लोग हैं अगर, तो 5 लोग के आए, 5 के नहीं आए हैं। मतदान करते हैं, आप वोट डालते हैं, तो आप किस तरह सरकार चाहते हैं? सरकार किस तरह की चाहते हैं? सरकार वही होनी चाहिए जो आम जनता का ख्याल रखे, सबसे बड़ी बात यही होती है। कोई भी सरकार हो लेकिन आम जनता का ख्याल रखे। ये सरकार भी ठीक थी लेकिन बहुत बेटर नहीं थी, क्योंकि चेंजेस आने चाहिए, तो सरकार दूसरे को भी मौका देना चाहिए, इसलिए दूसरी सरकार भी आनी चाहिए। इस सरकार में कौन सी अच्छी लगती है? अखिलेश को इस टाइम मौका देना चाहिए, हर किसी को बारी बारी से मौका देना चाहिए अपना बेस्ट देने के लिए, मैं ये समझता हूँ फिलहाल। जी, मुझे मोहम्मद मिस्बाहुल इस्लाम कहते हैं। मैं प्रभागी वार्डन आरक्षित के पद पर नगर में आसीन हूं और इस मौजूदा समय में हमारे पास माननीय नियंत्रक नागरिक सुरक्षा के आदेश के अनुसार हमारे वार्डन्स कमज़ोर, असहाय, बूढ़े और बीमार लोगों को मतदान में सहायता कर रहे हैं और उन्हें मतदान के बूथ तक पहुंचाकर मतदान कराकर उन्हें वापस उनके गंतव्य तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, जो हमारे नियंत्रक नागरिक सुरक्षा और उप नियंत्रक नागरिक सुरक्षा के आदेश के अनुसार कर रहे हैं। हमारे पास 52 बूथों पर, हर बूथ पर हमारे पास 2-2 वार्डन्स लगे हुए हैं, तो इस तरीके से हमारे पास संभवतः 104 वार्डन लगभग इस समय कार्यरत हैं और मैं मौलाना आज़ाद इंटर कॉलेज में इस समय पर्यवेक्षक के रूप में मौजूद हूं और मेरे वार्डन बहुत अच्छी तरीके से व्हील चेयर पर, अभी मैंने देखा, विकलांग व्यक्ति को मतदान करा के बाहर ले जा रहे थे, जो एक सराहनीय कदम है। किस तरह की परेशानी है अभी इस समय मतदान में? किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या मैंने नहीं देखी है। संभवतः मैं सभी जगह पुराने शहर में होकर आया हूँ, उसमें बालजती कन्या इंटर कॉलेज, कुसुम कुमारी कन्या इंटर कॉलेज, सरस्वती विद्यालय, गरीब नवाद स्कूल और जनता इंटर कॉलेज होता हुआ सैलानी पर प्राइमरी स्कूल होता हुआ यहाँ पर अभी पहुँचा हूँ। मैं समझता हूँ शायद मतदान का प्रतिशत बहुत अच्छा रहेगा। मैं आपको 100% नहीं बता सकता कितना, लेकिन प्रतिशत बहुत अच्छा रहेगा। बहुत ही अच्छी तरीके से जनता मतदान पर जुटी हुई है।